हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम मौर्य काल से क्वेश्चन यहां पे कवर कर रहे थे, तो हमारा पांचवा पाठ है। बाकी जो चार पाठ है डल चुका है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो, आपका PSC, IVAPAM, पटवारी, चाहे पुलिस कॉन्स्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हिस्ट्री क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मौर्य काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपके यहाँ से जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो 51 तक क्वेश्चन हम चौथे पार्ट में कवर किए थे, 50 क्वेश्चन तक। तो 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी, जहाँ खुश नहीं थे व्यक्ति? तो उज्जैनी, तक्षशिला, पुष्प कलावती, राजगिरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला। तो बिंदुसार के जो कि शासन के दौरान जहां अशांति क्षेत्र बना हुआ था, तो तक्षशिला में बना हुआ था। इसका थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तक्षशिला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्यक वंश, मौर्य वंश या गुप्त वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश। तो अशोक जो आपकी कौन से राजवंश से जो कि संबंधित है, तो इसका मौर्य वंश सही आंसर हो जाएगा। तो जो राजा अशोक थे आपके मौर्य राजवंश से संबंधित है, तो इसका मौर्य वंश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है आपका गौतम बुद्ध, चौथा है भगवान महावीर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। तो ये जो मौर्य राजा अशोक हैं, जो कि इनका जो अन्य नाम से इनको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से इनको जाना जाता था, तो मौर्य राजा अशोक सही आंसर हो जाएगा। तो इनको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी इनको जाना जाता है, अशोक जी को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो यहाँ पे जो अशोक ने यहाँ पे जो उनकी तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई गई थी, तो पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन को बार बार इसको रिपीट किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक की जो तृतीय बौद्ध जो परिषद हुआ था, ये आपके पाटलिपुत्र में हुआ था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अशोक के अधीन जो मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित कौन सा होगा? तो प्रबुद्ध आपका स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, थर्ड है आपका जो कि प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, या चौथा है निर्देशित लोकतंत्र था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो अशोक के जो अधीन मौर्य राजतंत्र का जो सबसे जो सही वर्णन होगा आपका, जो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, इसके अंतर्गत यह वर्णन करता है आपके अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया था? तो आपके तीसरी बौद्ध परिषद में, कलिंग युद्ध में उसके बौद्ध धर्म को अपनाना, या चौथा है सिलोन को उसका मिशनरी भेजना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कलिंग युद्ध। तो जो आपका जो कलिंग युद्ध जो युद्ध हुआ था इस घटना में, तो अशोक के जो प्रशासनिक नीति में जो प्रशासन करने में जो कि भारी परिवर्तन हुआ था आपके किस घटना में, तो आपके कलिंग युद्ध घटना में। इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद आपके जो इस घटना के बाद यहाँ पे अशोक के जो प्रशासनिक नीति थे या उनके जो राज्य प्रशासन में यहाँ पे भारी परिवर्तन आया था, तो कलिंग युद्ध सेकंड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया गया था? तो अर्धमागधी, सूरसेनी, मागधी या अडिगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मागधी। याद रखिए तो अशोक ने जो अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया गया था, तो आपके मागधी का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मागधी, याद रखिएगा। तो इनके जो अभिलेख हैं आपके मागधी भाषा में इनका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित जो यहाँ पे जो सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने यहाँ पे उसको प्रभावित किया? तो जो अशोक की पत्नी थी जिनको उनको बहुत ही प्रभावित है, तो उनकी पत्नी जिसका नाम था कौन थी? तो आपके चंदालिका, चारुलता या गौतमी या करवाकी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा करुवाकी। जो आपके अशोक जो सम्राट अशोक थी इनकी पत्नी थी, तो इनके द्वारा उनके पत्नी को इनके पत्नी के द्वारा जिसको प्रभावित किया गया था,
तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उनको उनकी जो पत्नी थी उनके अशोक को राजा अशोक को उन्होंने जो कि यहाँ पे सम्राट अशोक को बहुत ही प्रभावित किया था। तो अगला इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, 261 BC में या 263 BC में, या थर्ड है आपका 232 BC में, या चौथा है आपके 240 BC में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 261 BC। याद रखिएगा जो आपका कलिंग युद्ध हुआ था, तो 261 BC में आपका कलिंग युद्ध हुआ था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी या हम एक तरह से उसको जानते हैं देवताओं का प्रिय कहा गया है, तो आपके अशोक, हर्ष या बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक। तो शिलालेखों में जो राजा जो अशोक हैं इनको देवताओं को प्रिय कहा जाता था, तो इसका अशोक याद रखिएगा, इनको आपके प्रियदर्शी या देवताओं को इसको प्रिय कहा जाता है अशोक को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या हर्षवर्धन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सम्राट अशोक, सही आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने पहली बार बिहार के बोधगया में, तो बिहार में बोधगया में इन्होंने जो कि महाबोधि मंदिर का इन्होंने जो निर्माण या बनवाया था, तो इनके द्वारा निर्माण किया गया है महाबोधि मंदिर का। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सम्राट अशोक के द्वारा इस महाबोधि मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था बिहार के बोधगया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने सांची की स्तूप का निर्माण करवाया था, तो अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चोल राजाओं ने या पल्लव वंश के ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने। तो अशोक ने जहाँ पे जो राजा अशोक थे, तो अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा सम्राट अशोक के द्वारा सांची की स्तूप निर्माण करवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है निम्नलिखित कहाँ से होता है, तो जो स्तंभलेख है और महावंश या दिव्यगायन या शिलालेख 13 में मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिलालेख जो 13 में, इसमें बताया गया जो कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान में इनकी जानकारी को जो मुख्य स्रोत यहाँ के शिलालेख 13 में बताया गया है। यहाँ में अशोक के जो अभियान की जानकारी इस शिलालेख में पाया गया है, तो इसका चौथा ऑप्शन याद रखिएगा, जो कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का जो मुख्य स्रोत इसको माना जाता है शिलालेख आपके 13 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने समूचे भारत मतलब समस्त भारत में यहाँ पे सिलोन उस टाइम श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, तो सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था, तो आपके त्रिरत्नों शिक्षा देकर या धर्म महापात्रों को भेजकर या युद्ध करके या बौद्ध भिक्षु बनकर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, धर्म जो महापात्रों को भेज कर यहाँ पे अशोक ने पूरे भारत में यहाँ पे श्रीलंका में जो कि बौद्ध धर्म को इन्होंने प्रचार करवाया था, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए अशोक ने धर्म महापात्रों को भेजकर पूरे भारत में जो कि बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार कराया था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके SSC के पेपर CGL में आया हुआ क्वेश्चन है Tier 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शिलालेख राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध में हस्तों हाथों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है, तो आपके मस्की राजादेश में शिलालेख आपके 13 में शिलालेख या शिला राजादेश में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिला जो राजा देश है 13 में, जो कि इस शिलालेख या जो कि राजा के अनुसार यहाँ पे अशोक ने यहाँ पे कलिंग युद्ध के हताहतों यहाँ पे वहाँ जो भीषण जो युद्ध का देखते हुए यहाँ पे जो राजा जो अशोक थे इन्होंने पूरा भीषण युद्ध को देखते हुए यहाँ पे इन्होंने युद्ध के हताहतों देख कर पूरे यहाँ पे उल्लेख किया है और युद्ध के इन्होंने त्याग के इन्होंने घोषणा की कर दी थी आपके शिलालेख राजा देश में, इसमें 13 में बताया गया है, तो उसमें पूरा उल्लेख किया गया है। तो कलिंग युद्ध के वहाँ पर पूरा जो उसमें भीषण लड़ाई और नुकसान को देखते हुए पूरा अशोक ने जो कि कलिंग युद्ध के हताहतों को उल्लेख किया है और वहाँ पर जो युद्ध के त्याग इन्होंने घोषणा कर दी थी। तो सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो अशोक राजा अशोक थे सम्राट अशोक, तो उनके जो शिलालेख पर जो उनके लिपि का प्रयोग किया था कौन सी लिपि इनके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ब्राह्मी, देवनागरी, आपके गुरुमुखी या संस्कृत।
तो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनके जो शासनकाल में यहाँ पे ब्राह्मी लिपि चलती थी, तो अशोक के जो ब्राह्मी अशोक के जो शिलालेख है तो आपके ब्राह्मी लिपि का इनका प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। उस समय कौन सा जो कि लिपि चलता था ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देगा, तो ब्राह्मी लिपि आंसर लीजिएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेख में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? तो जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, या आपके सही विकल्प सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, सही विकल्प सही है। तो अशोक के शिलालेखों में सभी इन तीनों की जानकारी मिलती है आपके उनके शिलालेख में, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाए, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, धम्म की शिक्षा देने लिखी अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म गुरु, धम्म योगी, या धम्म आचार्य जी की, या चौथा है धम्म महामत का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धम्म महामत। ये आपके जो धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने इन जो पदाधिकारियों को इनको द्वारा नियुक्ति की गई थी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित कौन से मौर्य वंश से अपनाया गया नहीं गया है? तो आपका सत्यमेव जयते, सांड, घोड़ा, जो चार शेर हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सत्यमेव जयते। भारत सरकार ने जो उनके प्रतीक बना हुआ है स्तंभ में देखे जोगे भारत सरकार के, तो इनमें जो सांड, घोड़ा और जो चार शेर हैं इनको मौर्य वंश से अपनाया गया जो कि गया है, बाकी जो सत्यमेव जयते है इसको मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है। तो इसका दो तीन चार सही आंसर हो जाए, बाकी जो इसका सत्यमेव जयते है इसको मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है। तो यहाँ पे अपनाया गया नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम में, हाय और नहीं को ध्यान नहीं देते और सीधा हम टिक लगा देते हैं, बाद में जाकर हम देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जा रहा था, इसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अकबर का, अशोक, शेरशाह, या शाहजहाँ का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सम्राट अशोक थे, तो सारनाथ में जो सम्राट अशोक का स्तंभ है, तो याद रखिएगा सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो राजा अशोक का यहाँ पे स्तंभ उनका बना हुआ है सारनाथ में, याद रखिएगा जब भी जाएंगे घूमने तो देखिएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अशोक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक महान अशोक जो महान शासक थे जिन्होंने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इनकी जो राजधानी उस समय कहाँ थी या उनका क्या नाम था? तो आपके तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र, या सारनाथ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र, याद रखिए। जो सम्राट अशोक थे जो कि एक महान शासक थे जिसने 40 वर्षों तक भारत में इन्होंने राज्य किया है, याद रखिएगा 40 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पे भारत में इन्होंने शासन किया है, और उनकी जो राजधानी उस समय जो राजधानी थी या जो कि शासन करते थे पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, याद रखिएगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सम्राट अशोक थे तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो आपके बिहार एसएससी में कई ठो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, विहद्रथ, तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो जो बिंदुसार थे जो अशोक के पिता थे, याद रखिएगा, तो अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख लिखे गए हैं कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अशोक के जो शिलालेख है कौन कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ग्रीक, खरोष्ठी, अरमाइक, या संस्कृत में, तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा, तो अशोक के जो शिलालेख कौन कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ग्रीक भाषा में लिखा गया है, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, और अरमाइक लिपि में लिखा गया है, तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी जो संस्कृत है इसमें लिखा नहीं गया है, तो इसका वन और टू और दो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, और यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी आपके प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं इसी तरह क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा, मैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।